नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट अफेयर 2019 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मुख्य रूप से हम जो नए मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है उसी पर आधारित 30 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, जैसे कि कुल मंत्री कितने हैं, कुल महिला मंत्री, नए कैबिनेट मंत्री, इसके अलावा नए राज्य मंत्रियों के बारे में, सबसे ज़्यादा मंत्री किस राज्य से बने हैं, कौन सा मंत्रालय किस मंत्री को दिया गया है, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो हार कर भी मंत्री बने हैं, इसके अलावा जो हमारे स्वतंत्र भारत में पहली कैबिनेट गठित हुई थी उसमें भी आपके कुछ प्रमुख मंत्रियों के बारे में हम बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के आपके लिए यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, और अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देख लेते हैं तो इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो अगर आपको नहीं पसंद आता है तो वीडियो को डिसलाइक करके हमें ज़रूर बताएं कि आपने वीडियो को क्यों डिसलाइक किया है। चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर यही है कि मोदी की कैबिनेट में पीएम सहित यानी कि मोदी को शामिल करके कितने सदस्य शामिल हुए। तो इसमें कुल मिलाकर के मोदी को शामिल करते हुए 58 मेंबर हैं। कितने हैं? 58 यानी कि 58 मेंबर इस बार के मंत्रिपरिषद में शामिल हुए हैं। अब आप में से कुछ लोगों ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपसे सबसे पहले ये प्रश्न पूछता हूँ, और शाम को इस पर एक वीडियो अपलोड मैं करूँगा जिसमें मैं सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा कि जो हमारे कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो हमारे राज्य मंत्री होते हैं और जो हमारे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के होते हैं, उनके बीच में बेसिक रूप में अंतर क्या होता है। तो आप लोग कमेंट में इस प्रश्न को अटेम्प्ट करिएगा, वो नहीं तो फिर शाम को मैं वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल बता दूंगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन सी। अगला हमारा प्रश्न है कि इस बार नए मंत्रिपरिषद में कितनी महिला मंत्री शामिल की गई। तो याद रखिएगा, इस बार का जो नया मंत्रिपरिषद है उसमें कुल मिलाकर के 6 महिला मंत्रियों को शामिल किया गया है। कितनी? 6 महिला मंत्रियों को इसमें शामिल किया गया है। तो इन 6 में से आपको याद रखना है कि जो हमारी 3 हैं उन्हें कैबिनेट मिनिस्ट्री दी गई है, जैसे कि निर्मला सीतारमण को, स्मृति ईरानी को और हरसिमरत कौर को, इन सभी को मिला है कैबिनेट मिनिस्ट्री। बाकी की जो आपकी रेणुका जी हैं, साध्वी निरंजन ज्योति हैं, देवाश्री चौधरी हैं, इन सबको अन्य मंत्रालय दिए गए हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि इस बार मंत्रिपरिषद में शामिल कर सबसे ज़्यादा चर्चित मंत्री जो उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करते हैं वह कौन है। तो इनका उत्तर पहले से लिखा हुआ है, इनका नाम है प्रताप चंद्र सोलंकी। याद रखिएगा, इन्होंने कांग्रेस के एक करोड़पति उम्मीदवार को हराया है और इन्होंने पूरी अपना जो प्रचार है वह एक साइकिल से किया था। तो काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं, और प्रताप सिंह सोलंकी को उड़ीसा का मोदी भी कहा जाता है, तो इसीलिए इनके बारे में आपको याद रखिएगा। इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट बनाया गया है, यानी कि राज्य मंत्री के अंतर्गत इन्हें एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज डिपार्टमेंट दिया गया है। साथ ही साथ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मंत्रालय भी इनको दिया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएँ सर्वाधिक हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के नए मानव संसाधन विकास मंत्री कौन बने। तो मानव संसाधन विकास मंत्री के बारे में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कि जब मोदी की पहली कैबिनेट बनी थी तो उस समय स्मृति ईरानी को मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया था, लेकिन बाद में जब उनकी शिक्षा पर सवाल उठे तो उन्हें उस पद से हटा दिया गया था। जो हमारी 2014 की मोदी गवर्नमेंट थी उसके लास्ट में इस पद पर थे प्रकाश जावड़ेकर, लेकिन इस बार इनका जो विभाग है वह बदल दिया गया और नए हमारे भारत के मानव संसाधन व विकास मंत्री बने हैं रमेश पोखरियाल। कौन बना है? रमेश पोखरियाल, और इनके बारे में कल मैंने आपको कैबिनेट वाले वीडियो में बताया था। लोकसभा क्षेत्र इनका है हरिद्वार, और पहली बार ये हमारे कैबिनेट में शामिल हुए हैं और ये हमारे उत्तराखंड के सीएम भी रह चुके हैं। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय इन्हें मिला है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा इस बार एक नए मंत्रालय का गठन किया गया। तो जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर था, उसके अलावा नदी विकास था, रिवर डेवलपमेंट था, इसके अलावा जो हमारे गंगा से जुड़ी हुई मंत्रालय थे उन सभी को हटा करके इस बार एक नए मंत्रालय का गठन किया गया है जिसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय। क्या नाम है इसका? इसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय। और अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत को, और लोकसभा क्षेत्र इनका कौन सा है? जोधपुर, यानी कि ये राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि इस बार विदेश मंत्री कौन बने। तो इस बार विदेश मंत्री का पद एक ऐसे चौंकाने वाले व्यक्ति को दिया गया जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा है, और ये आपके बने हैं डॉक्टर एस जयशंकर। क्या? डॉक्टर एस जयशंकर 1977 बैच के, ये हमारे एक आईएएस अधिकारी हैं और ये
जब सुषमा स्वराज हमारे यहाँ पर विदेश मंत्री थी तो उस समय ये विदेश सचिव थे, और सुषमा स्वराज ने इस बार मंत्रिमंडल में नहीं शामिल होने का फैसला किया, और इसके बाद में डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को इसमें शामिल किया गया। तो ये हमारे होंगे नए विदेश मंत्री। अगला हमारा प्रश्न है कि राजनाथ सिंह को इस बार कौन सा मंत्रालय दिया गया, तो इन्हें दिया गया है रक्षा मंत्रालय यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री, और इससे पहले इनके पास था गृह मंत्रालय, और गृह मंत्रालय अब किसे मिला है, अमित शाह को। और राजनाथ सिंह की बात करें तो ये लखनऊ से सांसद हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि इस बार मंत्रिपरिषद में नए मंत्रियों की संख्या कितनी रही। तो याद रखिएगा, इस बार जो आपकी मंत्रिपरिषद है इसमें से 20 मंत्री ऐसे हैं जो पहली बार मंत्रिपरिषद में शामिल हुए हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि इस बार शपथ ग्रहण समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर कौन सी संस्था हमारी रही। तो इस बार जो गेस्ट ऑफ ऑनर थी ये आपकी थी बिम्सटेक। क्या नाम है इसका? बिम्सटेक नामक जो संस्था है ये हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर रही शपथ ग्रहण समारोह में। और बिम्सटेक के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से आपके 7 देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, और इन सभी देशों के प्रमुख को इस बार शपथ ग्रहण में बुलाया गया था। याद रखिएगा कि पिछली बार जो शपथ ग्रहण हुआ था उसमें सार्क देशों के प्रमुख को बुलाया गया था। बिम्सटेक के बारे में आपको ये भी याद रखना है कि इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को, और इस समय जो चेयरमैनशिप है वह है श्रीलंका के पास में, कब से? सितंबर 2018 से। अगला हमारा प्रश्न है कि इस बार कैबिनेट में शामिल कौन से मंत्री संसद के सदस्य नहीं हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा इसके हमारे दो उत्तर सही हैं। एक तो आपके हो गए डॉक्टर एस जयशंकर यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर, और एक आपके हो गए रामविलास पासवान। रामविलास पासवान की बात करें तो ये पिछली बार भी कैबिनेट मंत्री थे, LJP के ये हमारे हेड हैं, लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की जो क्षेत्रीय पार्टी है। और डॉक्टर एस जयशंकर के बारे में मैंने आपको बताया, ये हमारे पूर्व IAS अधिकारी हैं, डिप्लोमेट भी रह चुके हैं, कई जगहों पर भारत का प्रतिनिधित्व भी इन्होंने किया है, तो ये डायरेक्टली आ गए हैं। तो इसका मतलब है अब ये हमारे राज्यसभा के थ्रू इंटर करेंगे। और रामविलास पासवान की बात करें तो 2014 में ये हमारे हाजीपुर से सांसद थे, लेकिन इस बार इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है। तो ये दो हमारे ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जो इस समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। और एक चीज़ और यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को बिना संसद के सदस्य हुए इसे मंत्री बना दिया जाता है तो 6 माह के अंदर इसे कोई ना कोई सदन ज्वाइन करना होगा, यानी कि या तो वह लोकसभा का मेंबर बने या फिर राज्यसभा का मेंबर बने। तो यहाँ पर फिलहाल ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि इस बार किन दलों को मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किया गया। तो कल मैंने आपको वीडियो में बताया था 3 हमारे सहयोगी दल जो मुख्य रूप से थे उसमें से एक एक लोगों को शामिल किया गया हमारे कैबिनेट मंत्रालय में। एक तो आपकी शिरोमणि अकाली दल जिसमें से हरसिमरत कौर थी, उसके अलावा अरविंद सावंत शिवसेना से, और इसके अलावा LJP से कौन थे? रामविलास पासवान। लेकिन जदयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार वाली पार्टी और अपना दल, इनको इस बार कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है। हो सकता है कि आगे जब कैबिनेट का विस्तार किया जाए तो इन्हें शामिल किया जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों हमारे करेक्ट होंगे। अगला आपका प्रश्न है कि इस बार उत्तर प्रदेश से PM सहित कुल कितने मंत्री बनाए गए। तो इस बार प्रधानमंत्री सहित उत्तर प्रदेश से कुल मिलाकर के हमारे 8 मंत्री बने हैं। कितने? 8 मंत्री इस बार उत्तर प्रदेश से PM सहित बने हैं, 57 से मैं यहां पर बात कर रहा हूं। अगला हमारा प्रश्न है कि श्रम व रोजगार मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार किसे मिला है। तो अगर हम लोग बात करते हैं श्रम व रोजगार मंत्रालय की, स्वतंत्र प्रभार इसे मिला है संतोष गंगवार को। संतोष गंगवार जो कि पहले बरेली से सांसद थे, इस बार इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, और इनके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट बनाया गया है यानी कि राज्य मंत्री ये बने हैं स्वतंत्र प्रभार के, और लेबर व एम्प्लॉयमेंट यानी कि श्रम और रोजगार मंत्रालय इनको दिया गया है। अगला हमारा है कि महिला और बाल विकास मंत्री कौन यहाँ पर बनाई गई। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय की बात करें तो पिछली बार की जो हमारी कैबिनेट थी उसमें ये मिला हुआ था मेनका गांधी को, लेकिन इस बार इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। और बात चल रही है कि इन्हें हो सकता है इस बार प्रोटेम स्पीकर बनाया जाए लोकसभा में। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय, साथ ही साथ जो आपका कपड़ा मंत्रालय है ये दिया गया है स्मृति ईरानी को। तो स्मृति ईरानी के बारे में आपको पता होगा काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, और इन्होंने अमेठी से राहुल गांधी को हराया है।
अगला हमारा प्रश्न है कि इस बार किन कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ नहीं लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे आपके सामने कैबिनेट मंत्री हैं जिन्होंने इस बार शपथ नहीं लिया है। तो ये सभी आपके हो जाएंगे, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, सुरेश प्रभु, मेनका गांधी, जेपी नड्डा की बात चल रही है कि हो सकता है ये अब बीजेपी के अगले अध्यक्ष बने, और राधा मोहन सिंह। तो इन सभी को इस बार कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि मोदी कैबिनेट में कितने नए चेहरों को जगह मिली। तो ये नए चेहरे आपके कितने हैं, कुल मिलाकर के 6। कौन कौन से थे मैंने आपको बताया था, अमित शाह आपके हो गए, अर्जुन मुंडा हो गए, अरविंद सावंत हो गए, प्रहलाद जोशी हो गए, सुब्रमण्यम जयशंकर हो गए, और इसके अलावा रमेश पोखरियाल। तो ये आपके सारे नए चेहरे हैं जो कि इस बार कैबिनेट में हिस्सा बने हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि उपभोक्ता मामलों के मंत्री कौन बनाए गए। तो उपभोक्ता मामलों के मंत्री के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपके बने हैं रामविलास पासवान। और रामविलास पासवान ने जब शपथ लिया तो आपने कई सोशल नेटवर्किंग साइट पर इनकी फ़ोटो देखी होगी कि ये कहते हुए आपको दिखेंगे कि सरकार चाहे जिसकी बने, मंत्री की शपथ तो मैं ही लूँगा, क्योंकि यूपीए सरकार में भी ये मंत्री रह चुके हैं, उसके पहले भी ये कई सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। तो इनकी पार्टी किसी से गठबंधन कभी कभी चुनाव पूर्व करती है, नहीं तो बाद में गठबंधन करके ये स्वयं मंत्री बन जाते हैं। तो रामविलास पासवान, इनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अगला हमारा प्रश्न है कि पशुपालन, मत्स्य व डेयरी मंत्रालय किसको दिया गया है। तो ये मंत्रालय दिया गया है इस बार गिरिराज सिंह को। किसको दिया गया है, गिरिराज सिंह को। पिछली बार इनको MSME मंत्रालय मिला था और इस बार इनके मंत्रालय में बदलाव किया गया है। तो गिरिराज सिंह जो कि बेगूसराय से सांसद हैं, और ये एक बहुत ही ज़्यादा चर्चित सीट थी और यहाँ से इन्होंने कन्हैया कुमार को इस बार हराया है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। तो भारत के अगर हम लोग पहले रक्षा मंत्री की बात करते हैं तो ये आपके थे बलदेव सिंह। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भारत के फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर आपके थे बलदेव सिंह। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो भारत के अगर हम लोग पहले होम मिनिस्टर की बात करते हैं तो ये आपके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं, वल्लभ भाई पटेल जो कि 15 अगस्त 1947 से लेकर के 15 दिसंबर 1950 तक हमारे भारत के गृह मंत्री रहे थे। इसके बाद में श्री राजा गोपालाचारी आए थे और बाद में कैलाशनाथ काटजू बने थे 1951 में। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। तो अगर हम लोग भारत के पहले वित्त मंत्री की बात करते हैं तो ये आपके थे शानमुखम शेट्टी। क्या नाम था इनका, शानमुखम शेट्टी भारत के पहले वित्त मंत्री थे। तो आर के शानमुखम शेट्टी 15 अगस्त 1947 से लेकर 1949 तक ये हमारे भारत के वित्त मंत्री थे, और बाद में इनको रिप्लेस किया था जॉन मथाई ने। तो यहाँ पर फिलहाल ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे। तो भारत के अगर हम लोग पहले रेल मंत्री के बारे में बात करते हैं तो ये आपके थे जॉन मथाई। क्या नाम था इनका, जॉन मथाई। ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेल मंत्री थे, बाद में गोपालास्वामी अयंगर रेल मंत्री बने, और फिर जब लाल बहादुर शास्त्री भी रेल मंत्रालय इनको दिया गया था। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे। तो विदेश मंत्री यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री की बात करें या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की बात करें तो भारत के पहले विदेश मंत्री थे आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। इसीलिए यहां पर ऑप्शन डी सही होगा। ध्यान रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल, गुलजारीलाल नंदा ये सारे हमारे नहीं थे, विदेश मंत्रालय जवाहरलाल नेहरू ने अपने ही हाथों में ले रखा था, और जब तक ये पूरे हमारे कार्यकाल के दौरान विदेश मंत्रालय इन्हीं के पास था। बाद में दूसरे आपके जो विदेश मंत्री बने थे उनका नाम था गुलजारीलाल नंदा। तो फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी मंत्री बनाए गए। तो इसमें से कौन है, ये आपके हैं हरदीप पुरी। कौन है, हरदीप पुरी। तो हरदीप पुरी इस बार चुनाव लड़े थे अमृतसर से, और अमृतसर से इन्हें हार का सामना करना पड़ा। याद रखिएगा कि 2014 का जो चुनाव हुआ था उसमें अमृतसर से भाजपा के अरुण जेटली लड़े थे और वे भी वहां से चुनाव हारे थे, उसके बावजूद उन्हें मंत्री बनाया गया था। तो आप कह सकते हैं एक VIP सीट है अमृतसर, और जो यहां से लड़के हारता भी है उसे मंत्री ही बनाया जाता है। तो ऑप्शन फिलहाल डी यहां पर हमारा करेक्ट होगा। हरदीप पुरी के बारे में यहां पर आप देख सकते हैं, इन्हें इस बार मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर में दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है,
निम्नलिखित में से लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी मंत्री बनाए गए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। और हाँ, कुछ यहाँ पर आपको मैं मंत्रियों के बारे में बताऊंगा कि जो इस बार हार गए, यानी कि 2014 में वो मंत्री थे लेकिन इस बार वे हार गए। इनमें सबसे पहला नाम है बहुचर्चित मनोज सिन्हा का। मनोज सिन्हा इस बार गाजीपुर की सीट से हार गए उत्तर प्रदेश की। इसके बाद में हंसराज अहिर हैं जो कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर सीट से हार गए। फिर हम बात करते हैं हरदीप पुरी, इनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, अमृतसर से ये हारे हैं। राधा कृष्णन जो कि कन्याकुमारी की सीट से हारे तमिलनाडु से। के जे अल्फांसो ये हमारे हारे हैं केरल के एर्नाकुलम से। और इसके अलावा अनंत गीते जो कि आपके हैं शिवसेना के और ये भी पिछली सरकार में मंत्री थे, रायगढ़ की लोकसभा सीट से ये चुनाव हार चुके हैं। तो याद रखिएगा ये छह हमारे ऐसे मंत्री हैं जो कि पहले मंत्री थे और इस बार चुनाव हार चुके हैं। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि इस बार किसको राज्य मंत्री से कैबिनेट में शामिल किया गया। तो इसमें इस बार जो प्रमोशन दिया गया है ये मिला है आपके गिरिराज सिंह को। किसको? गिरिराज सिंह को। ये पहले हमारे राज्य मंत्री थे, इस बार इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। तो मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करते हैं शपथ ग्रहण समारोह में, तो यहाँ पर मॉरिशस, नेपाल और भूटान के प्रधानमंत्रियों ने भाग लिया। नाम आप देख सकते हैं, भूटान के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है लोतोय तेसेरिंग। उसके बाद में नेपाल के केपी आप ओली हो गए और मॉरिशस के प्रवीण जुगन्नाथ हो गए। प्रवीण जुगन्नाथ के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था 21 जनवरी से 23 जनवरी तक, उसमें ये हमारे मुख्य अतिथि थे। क्या थे ये आपके? ये आपके एक मुख्य अतिथि थे। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं कोशिश करता हूं कि आपको 10 से 15 मिनट का ही वीडियो दूं और उसी वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दे सकूं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। करंट में आप किस और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।